तो मैं आप आज को ऐसे पांच नियम बताऊंगा जिनको आपको करने से सफलता 100% आपको मिलेगी। अगर पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिना किए जाना नहीं है और शेयर करते जरूर रहना है, ठीक है ना। आपको पांच बातें ऐसे बताऊंगा और उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको कोई भी लगभग 80+ मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉर्नर शिक्षा पर। कई कवि कई लोग कह के गए हैं कि जिस तरीके से किसी पक्षी को एक बूंद पानी की तलाश के लिए दर दर भटकना पड़ता है, उसी तरीके से जो हमारे छात्र हैं जो पेपर दे रहे हैं उन्हें एक एक नंबर के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठिन ही मेहनत करना पड़ता है। फिर भी कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो निष्फल हो जाते हैं और वो हताश हो जाते हैं कि हम आगे करेंगे क्या, कैसे हमारा आगे काम चलेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं आज कि जिनको आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो उन्हें ध्यान में रखने से आपके जितने मार्क्स दिए गए हैं, जितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा, उन मार्क्स को आप इजिली कर सकते हैं। और ऐसी हम ट्रिक आपको बताएंगे कि आप उनको 100% पेपर में लगभग लगभग नंबर आप पासिंग मार्क्स के ऊपर नंबर पा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर हमारी बातें आपको पसंद आती हैं, ठीक है। और हमने जितने मॉडल पेपर बनाए हैं सारे मॉडल पेपर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज चैनल पे विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो चलते हैं, हम आज कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं जिससे आपका ध्यान पढ़ाई में एकदम 100% लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। एक स्टूडेंट क्या होता है, जब जब पेपर उसका नजदीक आता चला जाता है तब तब उसको पढ़ाई से उसका मन धीरे 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 हटने लगता है। जब उसका मन धीरे धीरे हटने लगता है तो वो कहीं खेलों में व्यस्त हो जाता है, कहीं फोन में व्यस्त हो जाता है, कहीं किसी चीजों में व्यस्त हो जाता है, कहीं शादियों में व्यस्त हो जाता है। तो ये सब करना ठीक है लेकिन अपने समय का दुरुपयोग करना भी एक कठिन काम है, ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐसी बातें आज आपको बताऊंगा जिसको अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आप अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकते हैं, ठीक है। सामने सरस्वती माता जी, इनका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बताते क्या है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आता हो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, लाइक करिए। पहली बात आप क्या होती है कि लोगों को, बच्चों को मैथ नहीं पता होता है किस तरीके से हमें पढ़ना है और कौन सा सिलेबस पढ़ना है। वो सोचते हैं केवल पढ़ना है, हमें पास होना है, ठीक है ना। ये मेथड हमारे बच्चों के लिए सबसे हानिकारक होता है। जैसे हमें पता है कि हमारा 1 से लेकर 20 नंबर तक जो आएगा वो MCQ जानेगा, बहुविकल्पी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें पेपर की तैयारी करने का समय मिल रहा है तो सबसे पहले हम उन 20 नंबर की तैयारी 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। जिनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है वो 1 दिन में उस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको जितने बहुविकल्पीय के बाद जितने आपके जिसे गद्यांश के, पद्यांश के या संस्कृत के हिंदी अनुवाद निकालना या रेखांकित अंश की व्याख्या करना या आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना, ये सब चीजें आपको नेक्स्ट डे आपको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जितना आप तैयार करते हैं उसको आप रिवीजन जरूर करते रहिए, ठीक है ना। रिवीजन करने से क्या होगा, आपको याद रहेगा परमानेंट, ठीक है ना। और याद रहने के बाद आपको हमेशा रिवाइज करने से आपकी जो है मेमोरी वो शार्प होती चली जाएगी, वो चाहे पेपर के लिए हो या किसी अन्य बात के लिए हो, वो इजिली आपको कंप्लीट करता चला जाएगा, ठीक है। दूसरे बच्चे क्या करते हैं कि याद तो कर लिए, अब बोले सर याद हो गया, अब याद हो गया तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। अब याद जब हो गया तो उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद उसको अच्छे से लिखना है, और रिवाइज जब करना है तो रिटेन में करना है ना कि लर्न में करना है, ठीक है ना। अगला क्या होता है सेंसेशन। तो पहला पॉइंट जो आपका है, मेरे हिसाब से जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, मतलब समय का सही सदुपयोग करना है, ठीक है ना। कि कितने समय हमें, कितने से कितने टाइम तक हमें पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं,
पूरा दिन किताब लिए बैठे रहते हैं और एक भी प्रश्न का उत्तर याद नहीं होता है, तो इस तरीके के बच्चों का समय भी नष्ट होता है और उनका दिमाग की जो वाइब्रेशन है वो भी वेस्ट चली जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना, हमें टाइम का पंक्चुएट होना है। टाइम का पंक्चुएट मतलब क्या है कि हमें एक टाइम फिक्स करना है कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक इतना पढ़ना है और इस टाइम तक हमें रिविजन करना है, ठीक है ना। तो हम मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समय जो होगा वो याद करने, क्योंकि सुबह पहर याद करने में ज्यादा इजीली आसानी होती है आपको। तो सुबह पहर क्या करना है, 5 से लेके 7 बजे तक आपको केवल याद करना है। क्या करना है, 5 से लेके 7 बजे तक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर याद करने के बाद आपको उसको रख देना है, ठीक है। रखने के बाद आपको यही टाइम जो है शाम को निकालना है, किसके लिए, रिवीजन के लिए। जब आपका रिवीजन हो जाएगा तो आपका 90% या 95% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है सबसे पहले क्या करना है, टाइम की पंक्चुअलिटी हमें ध्यान देना। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल उन पर ही ध्यान देना है, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं कि सर ये बताए थे, सर वो बताए थे, सर वो बताए थे, सर ये आया था, सर वो आया था, ये नहीं। जो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है उन पर आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे आपको वो हमेशा याद रहे। और याद इस तरीके करना है कि जैसे आप एक बार गाना सुन लेते हो ना तो याद हो जाता है, उसी तरीके से आपको याद करना है जिससे आपको भूलना ना पड़े, ठीक है ना। पढ़ाई को एक शौक बनाओ, पैशन बनाओ, तब जाके आपको याद होगा, अन्यथा याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो दूसरा मैंने क्या बताया, महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको स्पेशली ध्यान दीजिए, और जो आपको लगता है कि ये आएगा उसको भी आप स्पेशल तरीके से ध्यान देना है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट मैं आपको क्या बताता हूं, तीसरा पॉइंट है रिवीजन। तीसरा पॉइंट क्या है, रिवीजन दिया है, यानी आपको रिवीजन करते रहना। मैंने अभी पहले पॉइंट में बताया कि एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने से इतने टाइम तक हमें रिवीजन करना है, तो आप रिवीजन जरूर करते रहिए जिससे आपको इजीली से याद होता चला जाए, ठीक है ना। तो रिवीजन के बाद आपका जो चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट मैं अपने यहाँ बच्चों को ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि जो पिछले साल के पेपर हैं, यानी पिछले वर्ष के जो पेपर हैं उनको बहुत ही बारीकी से, यानी जैसे 2023-24 में एग्जाम आपका होगा 24-25 में, तो 23-24, 22-23 और 21-22 से जितने भी पेपर हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर मिल सके। ये आपका सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है कि आपको पिछले साल के जितने पेपर हैं उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है ना। आपको उनको पढ़ने से लगभग 30 से 40, 50 से 60 नंबर तक आपका गेन हो सकता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है आपका, यूज प्रॉपर टाइम, यानी आपको समय का जो है अच्छी तरीके से प्रयोग करना है, ठीक है ना। आपको समय का क्या करना है, अच्छी तरीके से प्रयोग करना है, ठीक है। और क्या है, यूज प्रॉपर टेक्निक, एग्जाम टेक्निक यूज करना, यानी आपको कई सारे टेक्निक बताई गई होंगी पेपर लिखने के लिए कि ये पेपर लिखना है, ऐसे लिखना है और इस तरीके से लिखना, उस टेक्निक्स पे जरूर ध्यान देना है। और दूसरी चीज है, आपको फालतू के टेक्निक्स में आपको जो बताएं कि इस तरीके से तुक्का मार के, वो तुक्का मार के, इन वीडियोस पे ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, इस पर आप ध्यान दीजिए, और जितने भी मॉडल पेपर हैं सारे